तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपीओ स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, ये जो वीडियोज है हमारे बीबोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। गाइज, जो भी हमारे दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं और जो भी अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो गाइज उनका जो रिजल्ट है काफ़ी जल्द जो है जारी होने वाला है, ठीक है। और खुशखबरी है गाइज, बिहार बोर्ड ने जो है दिसंबर सेशन 2022 का एग्ज़ाम करवा लिया और उनका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन गाइज, चिंता की विषय यह है कि हमारे जो आने वाले सेशन के स्टूडेंट हैं जून जुलाई सेशन 2023 के, उनका जो है सेशन 6-7 महीने लेट हो रहे हैं, ठीक है। उनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी उनका एग्ज़ाम बीबोस जो बिहार बोर्ड करवा रही है, बीबोस का एग्ज़ाम अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कब तक आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने के संभावनाएं हैं गाइज आपके एग्ज़ाम के, ठीक है। सारी अपडेट देने वाला हूँ गाइज, आप लोग हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहो। और दिसंबर सेशन 2023 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है गाइज, आपका जो है 26 दिसंबर तक भराए जाएंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है सभी स्टूडेंट जो है भर लेंगे, ठीक है ना गाइज। आपको जो अपना काम है वो करके रखना है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं खुला है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8228229074021 पे, आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया जाएगा। अगर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक्स ये किया है कि उनका पेमेंट का अगर ऑप्शन हट गया, तो ऐसे कंडीशन में बीबोस उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने का ऑप्शन नहीं खोलेगी, ठीक है ना। तो जो क्लीन स्टूडेंट हैं, जिनका कोई फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो हम लोग उनका भर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है हमें मैसेज करें, आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया जाएगा। जो जून वाले सेशन है, तो भाई उनकी बात कर लेना चाहूँगा 2023 का, तो उनका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा गाइज। आप लोग टेंशन ना लें, आपका एग्ज़ाम जो है 100% जो है कन्फर्म है कि जनवरी में होगा, ठीक है ना। बहुत जल्द डेट शीट वगैरह ये सारे कुछ निकाले जाएंगे, ठीक है ना। देखो गाइज, अभी वीवोस में हमारी बात भी हुई है, अभी मेरा कॉल लगा हुआ था, ठीक है ना, तो उठाया और हमने जो सारे सवाल जवाब किए हैं, तो जनवरी में उन लोगों ने जो है एग्ज़ाम करवाने की जो है बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि मैं बताऊंगा, स्टाफ सबको बाहर कर दिया गया है, तो आप जब कॉल करेंगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वहाँ पे कॉल जो है वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे, लग नहीं रहा है, ठीक है ना। दिक्कत ये आ रही है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, कभी कभी वो लोग जो है कॉल उठा रहे। देखो, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो गाइज जो आने वाले सेशन के स्टूडेंट हो, तो देखो गाइज, स्टूडेंट जब क्या होता है ना कि जब प्रेशर बनाता है तो किसी भी हाल में जो है बोर्ड को एग्ज़ाम लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है, आप प्रेशर भी बनाते रहो। हम लोग तो अपने चैनल के माध्यम से जो है प्रेशर बना ही रहे हैं, ठीक है, और लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, बोर्ड ऑफिस के खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग डिले कर रहे हैं, तो ऐसे उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और एग्ज़ाम जो है वो लोग एक्टिव होते हैं। और एग्ज़ाम आपका जो है जनवरी में होएगा, हम लोग जो है 100% आपका करवाएंगे। ओके गाइज, आप लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में हो और ज़्यादा लेट ना हो। जून सेशन 2023 का और दिसंबर 2023 का भी हम लोग लेट नहीं होने, उनका भी एग्ज़ाम हम लोग चाह रहे हैं कि जनवरी में ही सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो, अपने टाइम पे, और रिजल्ट आए और उनका एडमिशन भी समय पे हो, यही हम लोग चाह रहे हैं। तो इसके लिए गाइस देखो, हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं हमारे जो बिहार बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो बीबोस के हैं, बीबोस के स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी ले रहे हैं, तो उन सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग जो है स्टूडेंट सबका एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही करवाएँ। जितने भी जून 23 के हैं, दिसंबर 23 के हैं, उनका एग्ज़ाम जनवरी में, और दिसंबर 2022 का जो है रिजल्ट जो है उनका जल्द आने वाला है। तो ये इनमें कोई दो राय नहीं है, रिजल्ट जो है आपका जो है दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है दिसंबर 2022 का 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला है गाइस, ठीक है। देखो गाइस, थोड़ा सा ये हुआ है कि आनंद किशोर सर ने अभी जो स्टाफ को हटा दिया, मेरे को नहीं पता भाई, इन्होंने गलती ही है यार। अभी कौन सा स्टाफ को हटाना चाहिए, अभी जब सेशन इतना डिले चल रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आपके पास स्टाफ वगैरह है नहीं, मेंबर्स वगैरह है नहीं, बोर्ड में स्टूडेंट सब की हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, तो आपको जो है अभी स्टाफ सबको नहीं हटाना चाहिए। तो इस कारण थोड़ा सा और दिक्कत आ गया है, स्टूडेंट सबका जो भी फॉर्म वगैरह है, अब कॉलिंग वगैरह सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट जो सर्विस होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, उन पर भी कॉल नहीं लग रहा है। देखिए, मैं एक कॉल लगा के, लेकिन गाइज एक कॉल लगाता हूँ, ठीक है गाइज, आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैंने लेकिन बात किया है, मेरी अभी बात हुई है। कभी कभी जो है वो लोग कॉल उठाते हैं, हमेशा जो है कॉल उठाते नहीं है गाइज, ठीक है। चलिए, मैं जो है अभी लाइव जो है आपको जो है कॉल करके मैं बीबोस वाले नंबर पर करता हूँ, ठीक है। तो देखो
देखो ये जो है वीवोस वाले नंबर पे मैं जो है ये देखो ये कॉल जो है देखो लग रहा है ना ये कॉल देखो ये वीवोस का ही नंबर है। और देखो ये जो है यहाँ पे स्टाफ की कमी के कारण ये लोग कॉल पिक नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी ये उठाते हैं ठीक है। और मैंने सवाल जवाब कर रहा हूँ तो ये लोग देखो यार इन लोग ये जो लोग हैं ना ये सिर्फ आपको जानकारी जो है प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? सिर्फ जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, एक्चुअली में जो है इन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है ठीक है ना। बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ना गाइस ये आपको जो चेयरमैन है वही इनका डिसीजन लेते हैं ठीक है ना। तो ओके गाइस, और जैसे कि मेरे को जो है बात हुई है और जैसे कि मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी, मैंने ऑफिस में जाकर के बात किया था, तो वो जो है आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने हैं ठीक है। और देखो ये लोग जो है अभी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी जो आनंद किशोर सर मिस्टर जो चेयरमैन है आनंद किशोर सर जो बने इनको स्टाफ वगैरह को नहीं हटाए, अब हटाएं तो दूसरा आना चाहिए ना भाई, ये तो अब हटाए चलो हमको हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आना चाहिए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस स्टूडेंट सबका यहाँ पे देखो कोई कॉल ही नहीं, कोई हेल्प ही नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है। और भी बहुत सारे काम थे स्टाफ्स के कारण जो है डिले होएगा। देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ ये लोग कॉल भी पिक नहीं कर रहे। ओके गाइज आपने देख लिया, तो देखो गाइज लेकिन गाइज देखो आपके एग्ज़ाम जो है ना जनवरी में होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तैयारी चल रही है ठीक है। जून सेशन 2023 का जो है कन्फर्म हो और दिसंबर 2023 का जो है एग्ज़ाम जो है जनवरी में हम लोग सभी स्टूडेंट का जो है टाइम पे करवाने की और मांग है हमारी ठीक है गाइज। इसके लिए देखो गाइज आपको आपको सीधा सा करना, ये हमारा देख रहे हो वीडियो देख रहे हो और ये वीवोस का ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए मैं आपको चलिए यहाँ पे मैं पिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाओ गाइज, यहाँ पे देखो आपको ये देखो ये हमारा ईमेल देख रहे हो आप vivoshelpdesk@gmail.com। आपको जो इस पर मेल करना है, ये हमारा ये हेल्प डेस्क है जो जीमेल है ये वीवोस का ऑफिशियल है, तो इस पर आपको जो है सभी स्टूडेंट को जो है मेल करना है। देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम जनवरी में होके रहेगा, हम लोग करवाएंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि और जो है 100% फिक्स हो जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगा। इसके लिए गाइस देखो देखो हम लोग जो है ना पढ़े लिखे इंसान है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो ज़्यादा क्या है ना कि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और अच्छे तरीके से जो है बातें करते हैं ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब कुछ ज्ञान लेते हो तो अनुशासन डिसिप्लिन ये सब होता है ठीक है। और क्या ना गाइस तो ये है तो सारा कुछ है, तो हम लोग एक तरीके से ढंग से जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ठीक है। यहाँ पर देखो हम तो मेल कर ही रहे हैं ठीक है, आपको जो है इस पर मेल करना है कि सर हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हमको एडमिशन प्रेशर पड़ रहा है, हमारे पेरेंट्स वगैरह प्रेशर बना रहे हैं, हमारा फ्यूचर जो है बर्बाद हो रहा है, हमारी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो है आप हिंदी में भी टाइप करके जो है इसको आप लिख सकते हो। क्या कैसे लिखोगे मेल? मेल लिखना है आपको कैसे? आप लिख देना इस पर आपको मेल करना है, सभी स्टूडेंट को मेल करना आना चाहिए ठीक है। आप अपने मेल बॉक्स में जाओगे और वहाँ पर आप पेंसिल का आइकन होता है कंपोज मेल में जाओगे और वहाँ पे कंपोज मेल में आपको जो है सब्जेक्ट में लिख देना है कि एग्ज़ाम डिले एग्ज़ाम ना होने के संबंध में सेशन लिख देना जून जुलाई 2023 दिसंबर 2023 जो भी है ये लिख देना, सब्जेक्ट में ये लिखना कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाएं ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है मेल में ये लिखना है कि सर मिस्टर सेवा में लिखना मिस्टर सेवा में श्रीमान वीवोस के जो चेयरमैन है मिस्टर चेयरमैन अध्यक्ष हैं कौन मिस्टर आनंद किशोर सर महोदय, उसके बाद नीचे लिख देना विषय में लिख देना कि सर हम लोगों का एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द करवाने के संबंध में, और नीचे में लिख देना अपना प्रॉब्लम्स ठीक है। महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मेरा नाम ये है पता ये वगैरह, हिंदी में ऐसे लिखने का पूरा लिखने की कोशिश करना कि सर हम लोगों का एग्ज़ाम जो जल्द से जल्द करवाएं ठीक है ना ये है। और उसमें यह भी लिख देना सर अगर देखिए अगर आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करवा रहे हैं तो हम लोग जो है अपने मतलब जो भी है हम लोग अपने हिसाब से जो है अपने जो स्टूडेंट्स का होता है कर्तव्य होता है वो लोग करेंगे और हम लोग जो है जो भी आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, पहले रिक्वेस्ट ही करिएगा फिर आप जो भी है आप उसमें एक पन्ने पे लिख के फोटो खींच के भेज सकते हैं ठीक है, या मेल भी आप लिख सकते हैं एक पन्ने पे। देखो ये तरीका होता है ठीक है, इससे इनको प्रेशर पड़ेगा हाँ इतने स्टूडेंट मेल कर रहे हैं ये कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं तो आप लोग जो है ये जो है मेल जरूर करें ठीक है गाइस। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, देखो एग्ज़ाम जो हम लोग जनवरी में ही करवा के रहेंगे, दिसंबर ख़त्म होने को है आपका जनवरी में होगा, समझ गए ना गाइस। तो मेल आपको आपको
एक पन्ने पे लिख के एक फोटो खींच के मेल कर दो, इसको भेज दो, ठीक है। आप थोड़ा सा लिख भी दो, सब्जेक्ट वगैरह सारा कुछ लिख भी देना, एग्ज़ाम ना करवाने के संबंध में, एग्ज़ाम डिले होने के संबंध में, ठीक है। ये है। और आप देखो चेयरमैन जो है ना, आपको बता देने वाला हूँ, मिस्टर आनंद किशोर सर, क्या है, आनंद किशोर, ठीक है, किशोर सर हैं, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के भी हैं बीबोस की, तो इनके इनके इन पे लिखना है मेल, ठीक है ना। ये अध्यक्ष हैं, चेयरमैन पे हमको लिखना है, सीधे चेयरमैन पे लिखो जिससे कि सुनवाई हो, ठीक है। और ये इस मेल पे जो है आपको जो है ज़रूर से ज़रूर जो है समाधान होगा, जल्द से जल्द ये लोग करेंगे, इनको जाएगा तो ये डायरेक्टली जो है हमारे जो चेयरमैन होते हैं उनके पास जो है ये मैसेज जाने वाला है। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं और अगर कुछ है मेरे पास तो मैं कुछ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस रुकिए, यहाँ पे देखो यार, मैंने तो इसको बंद करके रखा है, अबे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो गैस यहाँ पर देखो यार, मैंने इसको पॉज करके रखा हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा मैंने जो वीडियो बनाया वो देखो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो ये स्टाफ लिस्ट है, यहाँ पर देखो ये लोग जो है पुराने, यहाँ पर मिस्टर जो है, यहाँ पर देखो ओम प्रकाश यादव जी जो हमारे पुराने चेयरमैन थे, देखो इनका अभी तक अपडेशन नहीं है। अभी नए में जो हमारे चेयरमैन दिवोस के बन गए हैं वो मिस्टर आनंद किशोर सर है, क्या आनंद किशोर सर है, इनका नाम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। चेयरमैन ये हैं तो यहाँ पे आना चाहिए। और देखो ये पुराने वाले, इन्होंने अभी तक देखो कितना वर्क जो है ये लोग स्लो कर रहे हैं, किस कैसा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा यार जो हमारे एनआईसी के जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, स्टाफ वगैरह हैं, जो आप देख रहे हैं ये हैंडल कर रहे हैं वेबसाइट को, कम से कम स्टाफ लिस्ट को तो आपको अपडेट करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन ने बने हैं, बताइए उनका ही नाम गोल है, उनका ही नाम गायब है, बताइए कैसे काम कर रहे हैं ये लोग, कितना स्लो है, क्या स्टूडेंट सबका आप एग्ज़ाम लोगे, क्या आप किस तरह का बोर्ड चला रहे हो, आप ये समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या किस तरह का मैसेज जाएगा स्टूडेंट सबको कि भाई कितना कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग कैसे यहाँ पे भरोसा करेंगे आप लोगों को, बोर्ड पे देखो बिल्कुल ही बोर्ड जो यहाँ पे पिछड़ा हुआ नज़र आता है, दिख रहा है इनका, देखो पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल ही, देखो यहाँ पे सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी हमारे चेयरमैन देख रहे हैं, मिस्टर आनंद किशोर सर देख रहे हैं, तो देख लीजिए इस तरह का वर्क हो रहा है, अभी तक आपका नाम अपडेट नहीं किया गया है वेबसाइट पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे पुराना नोटिफिकेशन कब का पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा लिया गया है और एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। बताइए जून वाले सेशन का एग्ज़ाम कब का हो जाना चाहिए, जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए, अभी आपका दिसंबर ख़त्म है लेकिन कोई अपडेशन नहीं आ रहा है, तो ये बहुत रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और हम लोग जो है बताना चाहेंगे कि आपको एग्ज़ाम जो जनवरी में लेना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बोर्ड चला रहे हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, बोर्ड की अपॉर्चुनिटी, बोर्ड का जो कार्यभार अगर आपको सौंपा गया, तो आप अपना दायित्व जो है समझें और अच्छे से जो है काम करने की कोशिश करें और एग्ज़ाम लें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। आप बिहार बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, आपने बिहार बोर्ड में काफ़ी अच्छा सुधार किया है, तो यहाँ भी आप जल्द से जल्द करें, ठीक है ना। और एक जो तौर तरीका होता है, 6-6 महीने पे सेशन होता है, तो उनका एग्ज़ाम जल्दी से करवाएं। अगर बताइए अगर साल भर सेशन ही लेट हो गया, तो आप कैसे एग्ज़ाम करवा पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे यहाँ पे पढ़ेंगे, क्यों एडमिशन लेंगे यहाँ पे, सोचने वाली बात है ना। ज़रा आप हमको जवाब दीजिए, ठीक है, स्टूडेंट सबका कैरियर का क्या, ये बताओ। मेरे बोर्ड तो बना दिया गया, बिहार सरकार को जो है, जो शिक्षा मंत्री है बिहार के हमारे सर जो है, इस पर ध्यान दें, और जो भी ये लोग काम ढंग से नहीं करें इनको तो हटाएं यहाँ से, ठीक है ना। और जो नए नए हैं, जो काम करने वाले नए वाले नए चेयरमैन जो भी है, नए नए अध्यक्ष जो भी है, नए महोदय को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, जो अच्छे से काम कर सके। हम लोगों का इतना है, जिनसे काम नहीं हो रहा है यहाँ से उनको जो है उनको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम कोई भी है यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, बोर्ड है यहाँ पे, अगर काम सही से नहीं करवा पा रहे हैं, अगर आपका बस का नहीं है तो किसी और को मौका दे, मेरे ये कहने का ये मतलब है, बिल्कुल ही साफ साफ है। और यहाँ पे सुधार होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं फंसे हुए यार, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया जाएगा, जैसा मन तैसा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट होता है, सबके स्टूडेंट का फ्यूचर का सवाल है, इतने सारे स्टूडेंट 40-40 हज़ार लाखों स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे, बताइए यार। सिर्फ एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट सब थोड़ी है जो उनका ही काम होगा, सबका काम होना चाहिए। अगर बोर्ड बनाया गया, स्टूडेंट सब यहाँ पे फंसे पड़े हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा कुछ सोचना, ऐसा नहीं कि जब मन तब एग्ज़ाम लेना, ऐसा कोई ये कोई तरीका नहीं है। तो गाइस आप लोग टेंशन ना ले, जो हमने बताया देखो इस तरह से है। आप लोग को मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो पूरे बिहार से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो, और जितने भी हमारे चैनल पर 17,000 कितने भी स्टूडेंट हो, हमारा सब्सक्राइबर जो है 19,000 होने को है अभी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से
17 या 18 19,000 होने को है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से एक अपील है, ठीक है, आप लोग जो अपने नज़दीकी थाना में जो है पुलिस स्टेशन में जाकर के बोर्ड के खिलाफ जो है इस तरह का जो है आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आप इतना जरूर करें, आप जो है नज़दीकी थाना में, देखो आजकल जो है ना भाई ऑनलाइन का जमाना है, कहीं भी कोई बचने नहीं वाला है, अगर गलत काम हो रहा है तो होने नहीं वाला। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम जो है नहीं आवाज़ उठा सकते, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप नज़दीकी थाना में जाएँ और ये बीबोस के खिलाफ जो है एक जो है कंप्लेन लेटर लिख करके सादे पन्ने पे आप दे सकते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। तो मैं थाना में भी जाए, थाना वाला कॉल करके बोलेगा कि कैसा चल रहा है, कंप्लेन जाएगा, प्रेशर जाएगा ना, थोड़ा सा बदनामी होगी, अपने आप ये लोग काम करवाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, बिल्कुल ही समझ रहे हो ना गाइस, एक तरीके मेरे, अरे हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं यार, बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, अगर कोई गलत कर रहा है, कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उनके खिलाफ जो है आवाज़ ज़रूर, उनको जो है वहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप टेंशन ना लो, ये सारी बातें आप समझ गए। आप नज़दीकी थाना में जाकर के कंप्लेन लेटर जो है लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाए कंप्लेन लेटर जो है सर को थमा देगी, सर ये वीवो से हमारा बोर्ड एडमिशन करवाया था, अभी लोग एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, ज़रा इस पर जो है आप जो इनको इन पे जो है इनके खिलाफ जो हमारा कंप्लेन कीजिए, लेटर लीजिए, बस हो जाएगा। वो लोग अपना पुलिस वाला समझेंगे, जब सभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक बार जब पुलिस स्टेशन से कंप्लेन आएगा जरूर ये लोग यार सुनेंगे कैसे नहीं, मन मर्जी थोड़ी चलेगा हमेशा। ये सारी चीज़ें समझ गए गाइस, जो भी प्रॉब्लम है आप इस पे इस ईमेल आईडी पे भी आप करें, देखो यहाँ पे देखो ये हम देखो ये देखो ये ईमेल आईडी देखें, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे भी जो है आप जो है इस ईमेल आईडी पे भी आप जो है मैसेज करें, यहाँ पे अपनी समस्याएं को रखने की कोशिश करें। यहाँ देखो ये आपका ईमेल आईडी, देखो bboshelpdesk@gmail.com, बड़ा सा करके मैं दिखा देता हूँ, आप इस पे भी मैसेज करने की कोशिश करें। देखो यार हम लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि स्टूडेंट का हक दिलाएं, कैरियर खराब ना होने दें, उनको सपोर्ट करें, हमारा काम बनता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और हम लोग अगर देखो यार किसी हम लोगों से किसी की हेल्प हो रही है तो यही है समाज सेवा, यही होता है, ठीक है ना। लोगों की हेल्प करोगे तो ही आपको तरक्की होगी, अगर आपसे हमारी तरक्की हो रही है, आप लोगों ने हमारी हेल्प की, हम नीचे से ऊपर कहाँ तक पहुँच गए, तो ये सारी चीज़ें, हम लोग भी आपकी हेल्प गलत नहीं होने दे रहे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम लोगों से आपको आपके द्वारा हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर बने हुए हैं, तो हम लोग ज़रूर आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और आपका एग्ज़ाम हम लोग करवा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, हेल्प करने के लिए हमारा चैनल आगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते जाना, 100% है कि हम लोग आपका एग्ज़ाम जो ज़्यादा डिले होने नहीं। देखो यार किसी एक आदमी को जो आगे आना पड़ता है वो हम आए हैं आपके, ठीक है, और हम लोग जो है हमेशा ये सुधार कर रहे हैं, बोर्ड में हमेशा लगातार सुधार होगा, बहुत जल्द होगा, टेंशन ना लो गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग दूसरा काम ये करो, ये मैंने बता दिया, आप जीमेल पे कर दो bboshelpdesk@gmail.com पे, और उसके बाद जो है अपने नज़दीकी थाना में जाकर के भी कंप्लेन कर दो, ठीक है। ऑफिस इनका स्टाफ नहीं, अब आप सारा कुछ बता सकते हो, क्या बता सकते हो उसमें, कंप्लेन में लिख सकते हो सर हमारा इतना दिन हो गया एग्ज़ाम नहीं ले रहे, नए चेयरमैन है, कॉल नहीं उठा पा रहे, फॉर्म भरा गया 6-6 महीना साल भर हमको एडमिशन लेना है, फ्यूचर ये वो, जो सारा प्रॉब्लम उसमें लिख दो, प्रेशर पड़ेगा अपने आप एग्ज़ाम लेंगे, और हम लोग तो यहीं प्रेशर बनाने के लिए लगातार हम लोग वीडियो बना करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं, कुछ तो यार लोग बोलेंगे इनको तो कुछ तो सुनेंगे ना, तो कुछ तो समझ में आएगी इनके, हाँ यार गलत कर रहे हैं, लेंगे बिल्कुल लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यार बड़े बड़े राजा जो है यहाँ पे गलत काम कर रहे थे तो वो मिट्टी में मिल गए, ये लोग क्या चीज है गाइस, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, गलत करेंगे तो कोई यहाँ बचने नहीं वाला है, ठीक है ना। किसी के साथ यहाँ पे बुरा जो है इतना आसानी से नहीं कोई कर सकता है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, आज जो है लोग काफी आगे हैं, जागरूक है, ठीक है। पिछले वाला जमाना नहीं है, जिसकी लाठी उसका व्यास, ऐसा थोड़ी होता है। ऑनलाइन का 4G 5G आ गया, 5G आ गया यार, कहाँ ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो मनमानी इनकी चलने नहीं वाली। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें लगातार हम लोग जो है 17-20 आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं, और जल्द आपको देखने को मिलेगा, टेंशन ना लो गाइस। अभी मैंने कॉल भी किया था, एक बार दोबारा से मैं इनको कॉल करना चाहूँगा, देखता हूँ क्या एक बार दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है गाइस। आप लोग घबराए नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। देखो लगातार इनको जो है, देखो मैसेज
कॉल जा रहे हैं यहाँ पर देखो, लगातार जो है इनको हम लोग कॉल कर रहे हैं लेकिन ये लोग रिसीव नहीं कर पा रहे। ये कारण यही है कि ये लोग जो है यहाँ पे है ना, स्टाफ्स की कमी, सबको हटा गया भाई, हटा दिया तो नए लाओ ना, ऐसा क्या चलता है। ये सारी चीज़ें कितना दिन बंद रखोगे, ये वाली बातें, हटाया दिया तो नया लाओ ना, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है। स्टूडेंट सब थोड़ी ना इतना यार फ्री का बैठे हुए, फालतू का बैठे लगाते रहो, कोई स्टूडेंट सबका लाभ ही नहीं हो रहा है बोर्ड से, तो क्या ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। ओके गाइज, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहो, आज 20 मिनट की वीडियोस बन चुकी है गाइज, और पढ़ाई करते रहो। देखो पढ़ाई में कोई कमी नहीं करो गाइज, देखो जो देखो एग्जाम है ये सारा कुछ तो हम लोग करवाएंगे, लेकिन आप लोग जो है देखो मेहनत जो करना पड़ता ही है, ठीक है ना। आपको हमेशा जो है समय आपके अनुकूल नहीं होता, हमेशा प्रतिकूल भी मिलता है समय कभी कभी, तो अभी प्रतिकूल है तो उसमें जो है अपने पैर जमाव रखो, टेंशन कम रखो, पढ़ाई जरूर करो, एग्जाम जरूर होगा, कैरियर हम लोग आपका खराब नहीं होने देंगे, एग्जाम जरूर करवा करेंगे, आप लोगों का एडमिशन होगा और अच्छा रिजल्ट भी हम लोग दिलवा के रहेंगे, टेंशन ना लो, बस आप लोग जो है पढ़ाई करते रहो। इसके लिए गाइज आप जो हमारे चैनल के साथ बने रहो, चैनल पर पढ़ते रहो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर तो हम लोग बता ही रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, 159-299 का मेंबरशिप ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पेपर ले लो, वैसे हम लोग गेस पेपर वगैरह 2000-3000 का मटेरियल कम में ही दे करके आप, और जो गरीब स्टूडेंट हम लोग यार उनको जो बहुत ही कम पैसे में भी दे करके उनको, चलो यार पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ेगा तो यार हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये सारी चीजें हैं, तो ये हम लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग फ्री में हमारे चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, होम पेज पे है, आपको टेक सपोर्ट युवराज पे लगातार फ्री में वीडियोस दिए जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं लिए जाते आपको, ठीक है ना। आप लोग तैयारी जरूर करें, हमारे कहने का मतलब है आप बेहतर करें और रिजल्ट आप बेहतर लाएं, हमें खुशी मिलेगा, ठीक है गाइज। तो ये सारी चीज़ें, ओके गाइज, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका एग्जाम जल्द होगा, रिजल्ट भी जल्द आएगा। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ बने रहो। अंतिम में एक बार दोबारा से बता देना चाहूँगा, इस तरह के वीडियोज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहो। रिजल्ट दिसंबर 2022 का, 12th का जो है इस मंथ के लास्ट में आएगा, जून 23 का एग्जाम जनवरी में होगा, दिसंबर 23 का भी एग्जाम जनवरी में हम लोग करवाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।